राज और वैशाली का पुत्र वन में हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे उन्होंने कुछ बौद्ध संगति की थी, तो जिसमें मेन चार बौद्ध संगति महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमें जो पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है, हम बौद्ध संगति का वर्ष पढ़ेंगे, किस वर्ष हुई थी और संगति हुई कौन सी थी ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे कि बौद्ध संगति का जो स्थान था वो क्या था स्थान, और बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, उस समय शासक कौन थे और उस शासक ने किस पुरोहित को बुलाया था, पुरोहित या फिर आप इसे अध्यक्ष भी कह सकते हैं, अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, यहां ये बौद्ध संगति का सीरियल नंबर यहां डालेंगे, और पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 में, 483 BC यानी कि ईसा पूर्व। और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी उसके 100 साल बाद 383 BC यानी कि ईसा पूर्व। और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 255 BC यानी कि 255 ईसा पूर्व। और चौथी जो और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी प्रथम सदी में, फर्स्ट सेंचुरी। इसे बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे, पहले इनको ही याद कर लो, 483, 383, 255 पहली सदी। ठीक है, उसके बाद अब एक एक करके हम स्थान देख लेते हैं। स्थान का अगर हम देखें तो स्थान इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे पहला है राजगृह, राजगृह, राजगृह को राजगीर भी कहा गया है और गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है आपका वैशाली, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, कहां, पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन, कुंडलवन है कश्मीर में, कहां पे, कश्मीर में। ठीक है, अभी आप इसको देखते रहे, हम इसकी एक ट्रिक बताएंगे जिसको आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगर हम राजा देखें तो पहली जो बौद्ध संगति हुई उसके जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। चलो रेड पेन से लिखते हैं, अजातशत्रु, अजातशत्रु। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति जो वैशाली में हुई थी ये करवाई थी काला अशोक ने। हो सकता है आपको जो शासक हैं इनके नाम नए नए लग रहे हों, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये सारे शासक जो है आपको अपने आप याद हो जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी ये करवाई थी सम्राट अशोक ने। और चौथी बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये कराई थी कनिष्क ने, कनिष्क। ठीक है, इसके बाद इनके अध्यक्ष देख लेते हैं। इनके भाई अध्यक्ष कौन थे, पहली बौद्ध संगति जो अजातशत्रु ने कराई थी इन्होंने बुलाया था महाकश्यप को, किसे, महाकश्यप, इन्होंने महाकश्यप को बुलाया था। और काला अशोक ने जो दूसरी बौद्ध संगति की थी इन्होंने बुलाया था सर्वकामी को, किसे, सर्वकामी। इनका दूसरा नाम एक और था सबकमीर। और तीसरी जो अशोक ने बौद्ध संगति बुलाई थी मतलब करवाई थी इन्होंने बुलाया था मोगली पुत्तिस, पुत्तिस, मोगली पुत्तिस। और चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क ने कराई थी कुंडलवन में इन्होंने बुलाया था बसुमित्र को। ठीक है, तो चलिए आप अब इसे हम याद कर लेते हैं। देखो पहले जो आप डेट है इसको तो आप याद कर लोगे, 483, 383, 255 पहली सदी। ठीक है, ये चार आपकी बौद्ध संगति हो गई, डेट्स को आप अलग से याद कर लेना। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, इसकी हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे ट्रिक क्या थी आप नीचे देख लो, राज और वैशाली का पुत्र वन में हुआ, कहां हुआ, वन में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म भी वन में ही हुआ था, क्या है ये है भाई ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है स्थान को, ये स्थान की ट्रिक है, इसको आप नोट कर लेना और अभी याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप इसमें और काट दें, का काट दें, इसको काट दें। ठीक है, राज से आपका हो जाएगा राजगृह, पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में।
ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी कहां पे? पाटलिपुत्र। पुत्र से आपका हो जाएगा पाटली पुत्र। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी वन में, कहां? कुंडल वन में, कुंडल वन कश्मीर में। तो इसको आप ट्रिक को याद कर लेंगे, राज और वैशाली का पुत्र वन में हुआ था, राज और वैशाली का पुत्र वन में हुआ था। राज से राजगृह, वैशाली से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र हो जाएगा, और वन से कुंडल वन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके क्या जो स्थान थे वो। इसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्रिक, जो इसके शासक थे इनकी भी एक ट्रिक बना रखी है, इसको हम देखते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो इस ट्रिक आप इस तरह देख लो, किसकी ट्रिक है ये? शासक की, शासक की ट्रिक। शत्रु का काल अशोक और कनिष्क, कनिष्क, ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे। देखो बहुत सिंपल है, शत्रु से हो जाएगा अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगति किसने कराई थी? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति किसने कराई? काला अशोक ने। तो काल से हो जाएगा, का काट दो, काल, ये काल है, काल से हो जाएगा काला अशोक, काला शोक। ये बहुत बेहतरीन शासक था, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरी बौद्ध संगति कराई थी अशोक ने, तो ये अशोक है, और को काट देना। और चौथी बौद्ध संगति कराई थी कनिष्क ने। तो शासक की जो ट्रिक हो जाएगी वो है शत्रु का काल, अशोक और कनिष्क। जब आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि अशोक वास्तव में शत्रुओं का काल था। अशोक के मारे जो है पूरा मगध की जो जनता, मगध की जनता नहीं, मगध के जो आसपास के शासक थे वो थर थर कांपते थे। ठीक है, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। इसके बाद बचे पुरोहित और अध्यक्ष, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका यह है कि जब पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगति हुई ये कराई अजात शत्रु ने, और ये बहुत ही बेहतरीन काम किया था। बेहतरीन काम को हम कह सकते हैं कि इन्होंने महान काम किया था। और एक बहुत अच्छे ऋषि थे महाकश्यप, महाकश्यप को इन्होंने बुलाया और उन्होंने उनसे इन्होंने पहली बौद्ध संगति करवाई, जो पूजा पाठ का प्रोग्राम था वो इन्होंने करवाया। ठीक है, कौन थे? महाकश्यप। ये आपको याद रहेगा, महान काम, पहली बार जब कोई काम करता है तो बहुत महान काम होता है, बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद की जो संगति हुई है, उसके बाद कोई काम था वो तो लोग जो है लकीर पीटते पीटते कर लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगति जब काला अशोक ने कराई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम महाकश्यप को नहीं बुलाएंगे, हम जो है अब सबको बुलाएंगे। किन्हें बुलाएंगे? सबको, यानी कि जो भी जितने भी लोग होंगे, जो आपके जैसे महाकश्यप की तरह और भी लोग होंगे जो बेचारे नाराज ना हो, सब आओ और सब जो है पूजा पाठ का प्रोग्राम करो, तो सबसे सब काम ही हो जाएगा और सबसे सब अमीर हो जाएगा। ये आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने बुलाई, तो अशोक ने कहा कि हम उनको बुलाएंगे जिसको अजात शत्रु ने बुलाया था। अजात शत्रु ने किसे बुलाया था? महान कश्यप को। जब अशोक ने अपने उन्हें भेजा सैनिकों को कि जाओ महाकश्यप को बुला के लाओ, तो जब शत्रु वहां पहुंचना क्या था, वो देख रहे हैं आप कितना, 483 में पहली हुई थी और ये हुई थी दो, तीसरी वाली 255 में, तब तक महाकश्यप कहां बचे हुए थे? तो उनके पुत्र थे, कौन थे? पुत्र। तो उन्होंने कहा पुत्र को ही बुला लाओ। तो पुत्र से आप याद रखोगे मोगली पुत्तिस, पुत्र आप याद रखना, एग्जाम में जब आएगा तो आप इसे आसानी से टिक कर दोगे। ये कोई भूलने वाली चीज नहीं है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद किया सकती है। ये जो नाम है इनके बहुत कठिन है, तो आप इसको ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, तो अशोक ने उनके महाकश्यप के जो पुत्र थे उनसे अपनी संगति जो थी 255 की वो करवा ली। ठीक है, इसके बाद जब चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में, कश्मीर जो कश्मीर में कुंडल वन है, कनिष्क ने करवाई, तो उन्होंने कहा कि हम भी जो है महाकश्यप के जो पुत्र हैं उनको बुलाएंगे। लेकिन 255 के बाद पहली सदी आ चुकी थी, यानी कि पूरा 155 साल का अंतर आ चुका था, उस समय पुत्र भी निकल गए थे। तो पता चला कि वो पुत्र तो चले गए, लेकिन उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने उनसे कुछ सीख लिया है, उनके जो मित्र वगैरह थे उनको आप बुला लो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, जब कोई नहीं मिल रहा है तो मित्र को ही बुलाया जाए। तो उन्होंने मित्र से क्या है, वसु मित्र को बुलाया। लेकिन
कनिष्क बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि हमें मित्रों पर पूरा भरोसा नहीं है, कि इन्हें ज्ञान तो प्राप्त हुआ उनके जो महाकश्यप के पुत्र थे, लेकिन इन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी रहेंगे और एक एक व्यक्ति और रहेगा, और वो हमारा अपना व्यक्ति रहेगा जिसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये पुरोहित थे इनके, और ये याद करने की ट्रिक थी, इसमें कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है, ये सब जो है मजाक मजाक में आपको जो है याद कराने की कोशिश की गई है। तो ये बौद्ध संगति थी, इनको आप याद कर लोगे, ठीक है।